हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लिविंग वर्ड। तो क्लास 10 तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप लेक्चर्स देख सकते हैं। इसका डाइजेस्टिव प्रोसेस वाला लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा। फिलहाल हम इस लेक्चर में देखेंगे लिविंग वर्ड, ठीक है, क्लास 11 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द लिविंग वर्ड मतलब चैप्टर का क्या नाम है, द लिविंग वर्ड मतलब लिविंग चीज़ें। लिविंग चीज़ों से हमें कैसे पता लगता है, मतलब जो बर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, हम लोगों में ग्रोथ हो रही है, इस सब से क्या पता लग रहा है कि हम लिविंग हैं या फिर सामने वाली चीज़ लिविंग है। ऐसे तो पता लगता है हम लोग को कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। मतलब हमें इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करना है कुछ टर्म्स जिसकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसके, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट एक्सेप्शन हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बताना है। जैसे कि बहुत सारी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट क्या है उसको सेंस करना, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ये काम कर सकता है। एंड सुटेबल रिस्पॉन्स, सुटेबल रिस्पॉन्स मतलब कोई हमसे कुछ कह रहा है या कोई हमें मार रहा है या कोई हमसे कुछ भी कह रहा है तो उसका सुटेबल रिस्पॉन्स देना उसी टाइम, ठीक है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ठीक है। तो ये कैसी है, यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सम फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस, जिस रिएक्शन के थ्रू हमें सिग्नल मिलता है हमारे दिमाग को कि हमें अब क्या करना है, क्या करना है, यही सब चीज़ें हमारी सारी रिएक्शन का सेंटर मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। हम पूरा डिटेल में मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे अभी आगे। इसके अलावा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल डिवीजन होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरैक्ट, हम अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, देखिए कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर आती है क्योंकि ये विदाउट एक्सेप्शन है, अभी पूरा पढ़ेंगे हम कॉन्शियसनेस के बारे में। ये एक ऐसे फ्लो है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कैसी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है जो आगे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है ग्रोथ, हम पूरा इन डिटेल अभी ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे नोट करना उसे नोट कर सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ग्रोथ। आज हमें इन डिटेल क्या पढ़ना है, ग्रोथ। तो पहली हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ग्रो होना, मतलब कोई चीज़ ग्रो हो रही है या किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है। तो इसके दो ट्विन करेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन, ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हमें इन दो प्रॉपर्टी से पता लगता है कि या फिर तो मास इंक्रीज हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो, इससे हमें क्या पता लगेगा कि हाँ ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो ट्विन करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, ग्रोथ की, इसे बोलते हैं ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। पूरा एनसीईआरटी के सिक्वेंस से चलूंगी, ठीक है। तो क्या रहा, इसके दो ट्विन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब या तो मास इंक्रीज हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो, तो इससे क्या पता लगेगा हमें कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल, ठीक है, इन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इट मीन्स सिंगल सेल, ठीक है। सपोज इसने ग्रोथ किया, क्या किया इसने, ग्रोथ किया, थोड़ी सी बड़ी हुई ये सेल, थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये बात आपको पता है कि जो सेल होती है वो उसका जो होल्ड होता है कौन करता है, न्यूक्लियस, मेन होल्ड पूरी सेल को क्या करता है, ये न्यूक्लियस, थोड़ा छोटा बना देती हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, हमारे पापा हमारी पूरी फैमिली को होल्ड करते हैं ना, एक होल्ड होता है उनका, तो वही हमारा ये यहाँ पे न्यूक्लियस का काम होता है, वो पूरी सेल को क्या करता है, होल्ड करता है, देखता है, ठीक है, इसका पूरी पे होल्ड है, हाँ ये देख रहा है सब कुछ हो रहा है अच्छे से, सब मेंटेन है, ठीक है। हमने थोड़ी सी और ग्रोथ कर दी सेल की, ठीक है। अब ये देख रहा है कि मेरा इससे होल्ड जो है छूट रहा है, मतलब ये पूरी सेल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है अपना, तो मतलब ये जो सेल के बीच में जो पोर्शन होता है ना, पानी वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म,
ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है उसका डिस्टर्ब हो गया, मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से इसने क्या किया, इसने सोचा मैं ये इसमें होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ पूरी सेल पे, मतलब इसको डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब एक सेल से दो सेल बना लेना चाहिए ताकि अलग अलग न्यूक्लियस हो और अलग अलग इनका होल्ड हो। देखिए एक सेल से दो सेल के प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करके होता है वो पूरा सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसने क्यों डिवीजन किया, क्योंकि इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ डिस्टर्ब हो गया, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इसका डिस्टर्ब हो गया, इसने क्या कर लिया, सेल डिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद तो हमने अभी क्या किया, ये ग्रोथ होती चली गई और यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया, मतलब एक सेल से हमें यहाँ दो सेल देखने को मिल गई, ठीक है। चलिए अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने ये क्या ग्रोथ देख ली। अब अगर हम इसी में रिप्रोडक्शन देखें, वेट मैं से रफ कर दूँ, यहाँ पे अगर हम इसी को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अभी हमने ग्रोथ देखा, अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन तो होता ही है ये एक सेल से दो सेल का बनना, है ना, यही होता है ना रिप्रोडक्शन, एक सेल से दो सेल का बनना होता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी वही काम हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, और यही काम अभी हमारा ग्रोथ में भी हुआ था, हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ और ग्रोथ करने की वजह से और एक सेल से दो सेल बन गई, ठीक है। मतलब ये कुछ कुछ सेम हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, या फिर यूनिसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन हो गया और जो ग्रोथ हो गई वो कैसी हो गई, एकदम मिली मिली सी हो गई, मतलब सेम सी हो गई। तो उसके लिए टर्म यूज होता है, दैट इज इंक्लूसिव। क्या टर्म यूज होता है, इंक्लूसिव। क्या टर्म यूज होता है, इंक्लूसिव, मतलब मिला हुआ ऐसा प्रोसेस जो इसका भी सेम हो उसका भी सेम हो। तो यहाँ पे क्या टर्म यूज हो गया, इंक्लूसिव, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव प्रोसेस, बोल सकते हैं ना हम इसमें, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीसेलुलर में देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, मैं रफ कर रही हूँ, पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर किसी को ना समझ में आया तो इंक्लूसिव एल है ये, ठीक है, या इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब जॉइंटेड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, मिला हुआ प्रोसेस, ताकि याद रहे। देखिए याद रहना चाहिए चीज़, कैसे भी याद करें वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर में, देखिए मल्टीसेलुलर का एग्जांपल हमेशा वो एग्जांपल लें जैसे कि आप हो गए, ठीक है, ह्यूमंस की बात कर लें, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, अगर हम बात करें ग्रोथ, पहले बात करते हैं ग्रोथ, तो क्या आप में ग्रोथ होती है, कोई ये कहता है रिप्रोडक्शन हुआ, नहीं ना, आपकी तरह से हाइट बढ़ी मतलब आप में ग्रोथ हुई, ये एक अलग चीज़ हो गई, मतलब आपकी ग्रोथ मतलब आप इंक्रीज हो गए थोड़े से। पर वहीं पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में भी वही होता है, क्या होता है, अगर एक सेल से या एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बन गई, यहाँ तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं, यहाँ तो कोई चीज़ सेम नहीं है ना। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब अलग अलग के लिए भी कोई टर्म यूज़ होता होगा, अलग अलग के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो बोल सकते हैं मतलब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। तो जहां पे हमने यहां पे बात की थी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसमें जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मेन बात तो यही करनी थी ना हमें इसमें। तो देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ में आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि लिविंग और इसमें नॉन लिविंग ग्रोथ ना करें तभी तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। आपने देखा होगा कुछ क्या बोलते हैं माउंटेन्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जो हल्के से खिसकने की वजह से थोड़ा सा ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। या आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो आपने देखा हो, जैसे आपकी आपकी बुक्स होती हैं जो आपने बहुत टाइम से निकाली नहीं होती कभी, उन बुक्स के ऊपर एक मिट्टी की लेयर चढ़ जाती है, दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। इट मीन्स ग्रोथ भी दो टाइप की होती है, अगर हम ग्रोथ को डिवाइड करें तो वो भी दो टाइप की हो गई। फर्स्ट वन इज इंटरनल ग्रोथ, ए
एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ग्रोथ. ठीक है, देखिए इंटरनल को इंटेंसिव भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा. इंक्लूसिव और इंटेंसिव अलग चीज है. ठीक है, इंटेंसिव इज इंटरनल ग्रोथ एंड इंक्लूसिव इज एक प्रोसेस है वो. ठीक है, और यहां पे इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव. फिर से बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा. इंक्लूसिव एंड इंटेंसिव अलग अलग चीज है, और एक्सक्लूसिव और एक्सटेंसिव भी एक अलग अलग चीज है. ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ को हम इंटेंसिव भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ को हम एक्सटेंसिव भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ, देखिए ये तो यहाँ तो कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ वही चीज करेगी जो लिविंग होगी. कोई ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई आप हो गए, आपकी जरा सी हाइट बढ़ेगी तो वो अंदर से तो बढ़ेगी, कभी आपने बाहर से तो कभी ग्रोथ होते हुए देखा नहीं होगा. तो अगर इंटरनल ग्रोथ होगी तो बिना एक्सेप्शन ये लिविंग में होगी. पर जो एक्सटर्नल ग्रोथ होगी ये तो हमारे हर चीज़ में हो जाती है, हमारी बुक्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो भी एक तरीके से ग्रोथ है. पर कैसी ग्रोथ है, एक्सटर्नल. तो मतलब ये लिविंग में भी हो जाती है, नॉन इवन ये नॉन लिविंग में ही होती है. ठीक है, तो इसलिए अगर कहें कि ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग में भी तो हो रही है. पर अगर सिर्फ इंटरनल का यूज किया जाए, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, तो प्लांट क्या होता है, वो एक मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ये बढ़ता जाता है, मतलब जितनी उसकी उम्र है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है. उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही उसे बढ़ना है, ऐसा नहीं होता. पर एनिमल में ऐसा नहीं होता, एनिमल में क्या होता है, एक सर्टेन एज होती है, आपको इतने साल तक ही बढ़ना है, उसके बाद आप ग्रोथ नहीं करते. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एक और पॉइंट है, अ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. मरा हुआ इंसान या मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं हो सकता, वो ग्रोथ कभी नहीं कर सकता. ठीक है, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. इसे मैं आपके एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ, एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, ओके, देखिए इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन. पर उससे पहले आपको एक एक करके ही पढ़ना होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप कन्फ्यूज हो सकते हैं. तो आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से रिविज़न करिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. लास्ट में मैं रिविज़न भी कराऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ आप इन लेक्चर्स को पढ़ते जाइए, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा. बाकी आप पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू.